सरला प्रतीक्षा पावरफुल हिला इंडियन एयरफोर्स वायुसेना रे शामिल होई राफेल हरियाणा अंबाला एयरबेस रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे शामिल होई राफेल प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एही विमान को भारतीय सेना हाथ में अर्पण करिसेंती। पांचटी जाक युद्ध विमान वायुसेना को हस्तांतर करिसेंती राजनाथ। हस्तांतर कार्यक्रम अवसर में फ्रांस प्रतिरक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली उपस्थित थे। एक कार्यक्रम में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा अनुष्ठित होता। यह उत्सव में प्रतिरक्षा विभाग बहु अधिकारी उपस्थित थे। राफेल विशेषता हो 36,000 फुट्रु 50,000 फुट पर्यंत उच्चरे उड़ीबा को सक्षम। यह मात्र गोटे मिनिट्रे 50,000 फुट्रे पहुंची जापर थे। इंधन भर्ती हेले 3,700 किलोमीटर पर्यंत उड़ीपर। राफेल घंटा प्रति 1920 किलोमीटर गति कर। राफेल 1,312 फुट्र अति क्षुद्र रनवे उड़ीबा को सक्षम। राफेल को वायुसेना हाथ में अर्पण करने अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते भारत प्रतिरक्षा सामर्थ्य वृद्धि विश्व शांति लगे उद्दिष्ट। विश्वर कौन शांति प्रति विघ्न सृष्टि भारत जेको पदक्षेप नहीं पार। आम पड़ोशी और अवशिष्ट विश्व ठार् आम यह भी आशा कर। आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी अगस्त प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, सार्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू वेलकम दिस ऑगस्ट गैदरिंग टू द फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today
is a result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. The first 5 aircraft landed on 29th of July, and thereafter the squadron has been really busy and in an overdrive to operationalize. Within this time, they have already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. In military terms, it means that India will acquire a world-class capability, truly among the best in the world, that will give your Air Force an incredible sovereign tool. In strategic terms, it means India will have an edge over the entire region to defend itself and protect its people. In industrial terms, it means a lot too. India is already a major player in this industrial project, which will considerably strengthen its technological base and develop its skills. We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chains. परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा कोलाहांडी कंधमाल सीमांत रे पुलिस माओवादी संघर्ष माओ एनकाउंटर रे दुई एसओजी जवान शहीद होइछंती दुई शहीद जवान हिले सुधीर कुमार टुडू और देवाशीष टुडू एहा सह सर्च ऑपरेशन रे 5 माओवादी को मृतदेह उद्धार करा जायछे सेमानक मध्य रे 3 जण महिला माओवादी एवं 2 जण पुरुष माओवादी निहत होइथिले कोलाहांडी रो कंधमाल सीमा रे सिल्की जंगल रे कुंबिंग ऑपरेशन जोरदार करा जायछे गतकाल सका 11टा बेले कलाहांडी और कंधमाल पुलिस पक्षर सिर्की जंगल में कंबिंग करा समय माओवादी गुड़ विनिमय होता एथे 5 माओवादी निहत होता बेले माओवादी पलटा आक्रमण में दुई जवान शहीद होते सर्च ऑपरेशन बेले 7 गोटी माओ क्यांप ठाब कर घटनास्थल सीपीआई माओवादी केन्द्रीय कमिटी सदस्य मुरली और बासधारा घुमुसर नागापाड़ी डिविजन कमांडर निखिल खसी पलायर सक्षम होती वर्तमान भी कलाहांडी और कंधमाल उभय पटर कंबिंग ऑपरेशन जारी रही कलाहांडी जिले में पुलिस डीजी और आईजी पहुंची घटनार अनुध्यान कर गतकाल कंधमाल कलाहांडी सीमार होता एनकाउंटर सिर्की घाटी में सुरक्षा जवानों सह माओवादी गुड़ विनिमय होता जंगल में माओवादी गतिविधि नहीं सूचना मिलवा पर एसओजी और डीभीएफ जवान माने जंगल में कंबिंग ऑपरेशन चलाइए इस संपर्क में अधिक सूचना फोनलाइन अच्छा आम प्रतिनिधि अंशुमान पात्र अंशुमान गतकाल कंधमाल माओवादी गुड़ विनिमय दुई जवान शहीद होती जदिव दुई जवान शहीद होती किंतु 5 माओवादी निपात होती बड़ सफलता कहपर वर्तमान स्थिति केमती कौन देखुं कारण जिले में पुलिस डीजी और आईजी पहुंची घटना अनुध्यान कर जिला पुलिस निश्चित भाव में कहीपर ये गोटे बड़ सफलता आपर पक्ष जेहेतु दिज जवान मृत्यु होती दिज जवान शहीद होती कलाहांडी पुलिस
कलाहांवासी निश्चित भाव दुखद घटना आम जमी कह गत प्राय दिन एगारटू कुंभिंग ऑपरेशन से अंचल रे जारी रही एगारटे जो सिर्की जंगल रही कंधमाल कलाहां सीमार से सीमार गुड़ विनिमय होता उभय पटु उभय माओवादी मान पटु कलाहां पुलिस मान पटु से भितर पांच जन ये माओवादी निहत होते जो मान तीन जन महिला थे दु जन पुरुष महिला मान माओवादी थे से समय दिज जवान मान मृत्यु होता दु जन जवान शहीद होती आत का से अंचल रे कुंभिंग ऑपरेशन को जोरदार कर उभय पटु कुंभिंग ऑपरेशन जारी रही कलाहां कंधमाल दु पटु जारी रही जमी आम कह जो दिज शहीद होती जवान से होती सुधीर कुमार टुडु देवाशीष टुडु आत का जो चली रही वर्तमान सुधा चलुची आउ गोटे जिन सूचना देवा चाहे जे से जो कुंभिंग ऑपरेशन बेले दिज टॉप माओ नेता से उपस्थित थे जे कि केंद्रीय कमिटी सदस्य थे मुरली आउ जे थे बंशधारा गुमसर नागावली एरिया कमिटी कमांडर थे निशिल से खसी मान पड़ेगा सक्षम होती स्मृति निहति भावे तबे अंशुमान जिले में पुलिस डीजी और आईजी पहुंचे घटनार अनुधान करमती कौन से नहीं कि सूचना रही है अपर पक्ष जेहेतु माओ दुर्ग धीरे धीरे भूसीड़ लगी कारण माओ कार्यकलाप ध्वंस विभिन्न प्रकार सब पदक्षेप ग्रहण कर तो आगो को ए माओ र मुकाबला करने माओ को संपूर्ण रूप ध्वंस करने कौन सब रणनीति प्रस्तुत करूचना रही देखंतु कलाहांडी जिले में दीर्घ वर्ष रु माओवादी कार्यक्रम माने लगी धीरे धीरे बढ़िवार लगी तेरे माओ दमन निश्चित भाव में कलाहांडी पुलिस प्रचेषा सब जारी रही जमी आज कह पुलिस डीजी पहुंची आज पहुंची आई समय पर अर्थात साढ़े एकटा से प्रेस ब्रीफ करेंगे सामाजिक सम्मेलन मान आयोजन करें कौन रणनीति रही कौन केमती रणनीति प्रस्तुत करओ दमन निश्चित भाव में सूचना करा जो कलाहांडी बासिंदा सब प्रतिक्रिया कौन मिलू जेहेतु धीरे धीरे माओ दुर्ग भुशुड़ी पारे लगी खुशी अच्छा निश्चित भाव कलाहांडी गोटे बड़ सफलता केवल पुलिस नुह पुलिस नुह एटा कलाहांडी बासी एक सफलता कहले अत्युक्ति हम ना जेहेतु एक थर के पांच पांच जन माओवादी निहत होती कलाहांडी इतिहास प्रथम घटना यह आगुला एनकाउंटर किंतु एट ए टाइम एमती पांच जन को केवे निहत करपरेसन तेज निश्चित भाव में कलाहांवासी खुशी अच्छा किंतु कलाहांवासी मन में गोटे दुख रही जेहेतु आम दुई जन जवान शहीद होती आक कौट ना कौट दुख रही स्मृति अपरपक्ष जो पांच माओवादी मृतदेह उद्धार कर जदिओ माओवादी मृत किंतु दुई जवान आम शहीद होती किंतु ये गोटे कहीपर कि जो गत काली दिन एगारटा बेलू वर्तमान पर्यटन जो कुंभिंग ऑपरेशन जारी रही है यार भितर गोटे पुलिस को बड़ सफलता मिली बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान आप समस्त सूचना। आगो को खबर जारी रही पर वर्तमान बुलेटिन ने जी एक ब्रेक ब्रेक पर स्वागत कलाहांडी और मालकानगिरी सीमांत में पुलिस और माओवादी गुड़ विनिमय प्राण हर अनुगुल किशोरनगर ब्लॉक अंगपड़ा गांव देवासी सेठी से छह वर्ष हेला आईआरबी जवान भाव कलाहांडी रे कार्य करुथिले गुड़ विनिमय से निजे तीन जन माओवादी को मारी वरिष्ठ अधिकारी सूचना देते तेरे शेष में माओवादी विरोध में लड़ी शहीद होती शहीद खबर शुणापर पर गांव में शोकाकूल परेश सृष्टि घर संपर्क कांद बोबाड़ी में फाटी पड़ू सन्धार मरशरीर गांव मटी में पहुंच गाड़ फनर दिजापर निज जन्ममाटी में सत्कार कर जोगद किंतु दुर्भाग्यवशत काली माओवादी ऑपरेशन बेले देहांत हो जाता देहांत आम जी शोक अनुभव करुचे से आम सांगसाथी मैंने गर्वित अनुभव करुचु देवाशीष नायक सेठीकर वियोगे ये अंचल तथा आठमल्लिक किशोरनगर ब्लक्र
अंगपड़ा ग्रामवासी तथा ये अंचल समस्ते आम दुखित एवं मर्माहत तार व्योगरे किंतु से जेहेतु एसओजी रे काम करूथिले आम देश पाई ये शहीद होती से आज आम गर्वित। कोलाहांडी और मालकानगिरी सीमांत पुलिस और माओवादी गुड़ विनिमय प्राण हर अनुकूल किशोरनगर ब्लक अंगपड़ा गांवर देवासी सेठी से 6 वर्ष हेला आईआरबी जवान भाव कोलाहांडी कार्य करुते गुड़ विनिमय से निजे तीन जन माओवादी मारिदेव वरिष्ठ अधिकारी सूचना देते तेज शेष में माओवादी विरोध में लड़ शहीद होती शहीद खबर शुणापर पर और गांव में शोकाकूल परेश सृष्टि घरे संपर्कों कांद बोबाड़ी में फाटी पड़ुछि संध्यारे मर शरीर गाँ माटी में पहुंच गार्ड ऑफ ऑनर दियाजिब एहापर निज जन्म माटी में सत्कार करा केमती कौन स्थिति रही है से संपर्क अधिक सूचना फोन लाइन अच्छा भिकारी महांती भिकारी निश्चय यह दुखर खबर कारण निज पुओ को हर पर गाँव में तो निश्चय शोकाकूल परेश सृष्टि किंतु अपरपक्ष गोटे गर्वर विषय माओवादी विरोध में लड़ी से शहीद होती देवाशीष बर्तमान कमी कौन देखुं परेश देखु निश्चित भाव में शहीद होती सत समस्त गर्व आनी सत कितु पर बंधु और गाँव में जो मैंने रही संपर्क समस्त मन में एक प्रकार दुख जे एत कम बयस छाड़ी चलीगले माओवादी सहित तो गुड़ विनिमय जो होता से जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैंने पर कथा हो सूचना दूसरे से निजे गुड़े तीन जन माओवादी को से टई शेष में निजे टली पड़ते बर्तमान पर शोकाकूल परेश संपर्क मानकर जो कांद बोबाड़ी फाटी पड़ी और गाँ दांड पूरी उठी जो मैंने कि गाँव रोक मैंने आसिक गाँ दांड एकाठी होते बड़े यही वीर जवान आसव मर शरीर आसव से शेष सम्मान जनइबे शेष दर्शन करेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैंने पहुंची सब तदारख करते तेज जहां सूचना मिली जे प्राय संध्या हो मर शरीर गाँव में पहुंचला बेलू गाँव में पहुंचा पर गार्ड ऑफ ऑनर दिजर निज जन्म माटी शेषकृत्य संपन्न करोजना सबू कर तेज से जहां हूँ जो माओवादी सहित लड़िले लड़की तीन तीन टी माओवादी को टलैले शेषे आम निज माटी आम राज्य आम देश निज जीवन देले से समस्ते गर्वित एवं समस्ते से जदिव सुखर वातावरण जदिव दुख खेली जाती तथापि समस्ते गर्व अनुभव करु जी माँ जी कि भौनी एवं भाई बापा जो मैंने अच्छा समस्त आखिरे लुह सुखुनी खबर पाइला बेलू से आखिरे लुह सुखुनी कह ग एवं कांदी कांदी अथय हो पड़ते जेहेतु मात्र बयस 26 वर्ष एत कम बयस 6 वर्ष है चाकरी करते कलाहांडी आईआरबी से चाकरी करते एक माओ गुड़ विनिमय जीवन गला स्मृति निहाते भाव कारण एक दुखर विषय कारण 6 वर्ष चाकरी काल भितर जड़े कम वर्ष बयस जे पुओ को हर तो निश्चित तो भाव दुख दुख लगे कि बड़ गर्वर कथा कि माओवादी विरोध में से शहीद होती लड़की से शहीद होते सांगसाथी कौन सब प्रतिक्रिया मिलू कौन से कहते ग्रामवासी कौन कहते बहुत बहुत धन्यवाद भिकारी आपण का समस्त सूचना पे भिकारी महांती सविशेष सूचना दूसरे गुड़ विनिमय निजे तीन जन माओवादी को मारिदेव वरिष्ठ अधिकारी मैंने सूचना दौरान कारण 6 वर्ष है आईआरबी जवान भाव कलाहांडी में कार्य करुते देवाशी सेठी कम वर्ष बयस पु को हर दुख से भांगी पड़ते ग्रामवासी और पर लोक कि गर्वर विषय माओवादी विरोध में लड़ी शहीद होती अपरपक्ष शेषकृत्य संपन्न समस्त प्रकार बंदोबस्त कर सन्धार मर शरीर गाँ मटी में पहुंच गार्ड ऑफ ऑनर दिजिव यापर निज जन्म मटी में सत्कार कर केन्दुझर जिला नंदीपदा थाना कलीगाँव में अभावन घटना माँ और पुओं को निरे पोड़ हत्या कले दुर्बृत्त गाँव रंजाड़ी जेना और पुओ बनमाली जेना घरे शोथ अवस्था पेट्रोल ढाली दुर्बृत्त मैंने हत्या करी थेबा अभियोग होई छी
निकटने एक चोरी घटना को नहीं एपरी घटी अभियोग उत्तेजना प्रकाश पाई स्थानीय लोके रास्ता अवरोध कर घटनास्थल में पुलिस पहुंच तदंत चल आम आसिक देखल आगे दुकान दुकान में जिनपत फेगाई पैसा भी दुकान कि पेट्रोल भी नहीं जाइए पांच छः लिटर पेट्रोल थी आम देख लु बुढ़ी से पाखे रोला बुढ़ी की पचारू देखा कौन है कौन ना बुढ़ी जाथ जाइक देख ला बेलू बुढ़ी से माँ पुआ दीज जाक पोड़ाई तापर सर आम भी किसी जाणिन से कौन है कौन ना आमर को दोषी धरिया दरकार जपर्यंत आम दोषी की न धरचु से पर्यटन आम रोड ब्लक करूँ जानू सर सकाल शोलु गाँ लोक जाए कई जन कहला दुज मरी जाए तुम ये शोच आम हटा धाई आसल देख ला तो मरी जाइंट सर से पाखे गोटे केबिन अच्छी कपिलेन्द्र साहू तक दुकान से केबिन दुआर मुहटा भंगा है जो डोर टा भंगा होकर किसी पैसा पत्र जाइए कौन तापर देख ला पेट्रोल ढाक निआ लगे दि जाए आमर साधारण दाबी हो दुर्बृत्त मान खूब शीघ्र धरा जाऊ नवीन का सहयोग लड़िले नीतीश राज्यसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रसंग में मुख्यमंत्री नवीन पटनायकों सहयोग लड़िले नीतीश बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एने मुख्यमंत्री नवीन फोन में कथा होती जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा उपाध्यक्ष नामांकन पत्र दाखल कर समर्थन देवाई नीतीश फोन जोगे अनुरोध कर 2018 राज्यसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन में भी हरिवंश को समर्थन करता बीजेडी नीट परीक्षा पर बीएमसी प्रस्तुति प्रेमचंद्र चौधरी अध्यक्षत बैठक में 31 केन्द्र में परीक्षा देते 15,000 पिला जेईई मेन भीक्षार्थी समस्त सुविधा करे राज्य सरकार वर्तमान सुधा 1300 छात्र छात्री सरकारी सहायता पंजीकरण कर शनिवार पाने आसी 5 इंजीनियरी कलेज रे प्रति रहणी स्थान में मेडिकल टीम रे केन्द्र बाहर भिड़ नियंत्रण पुलिस प्रशासन स्वतंत्र व्यवस्था हो आसंता 13 तारीख रविवार अनुष्ठित हेब सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीट राज्यर 83 केन्द्र में परीक्षा देते 37,000 अधिक परीक्षार्थी हमें 5 लोकेशन रही इंतजाम करा होची से पाखापाखी 1300 पिला माने रजिस्टर करी जो विभिन्न जिले में एठी आसीबे सो आम तर एग्जामिनेशन सेंटर टैगिंग केमती हम तहार व्यवस्था करुचु एंड जमी प्रिवियसली सब पिला माने आसी से माने ये बढ़िया ही पूरा अरेंजमेंट रहिबो आसला परे तांकर एग्जामिनेशन सेंटर टू अकोमोडेशन टू एग्जामिनेशन सेंटर टैगिंग चलुचि सो दैट से माने स्मूथली सेठी बस इंतजाम रहिबो से हिसाब रे से माने सेठी जाई करी एग्जाम दे करी आसीबे से माने बढ़िया करी तांकर माने बस रे आसुचंदी जे जहा डिस्ट्रिक्ट रु तापर एठी रखा हबो तांग रहिबा सुविधा करा होची तापर सेठु 31 सेंटर भुवनेश्वर रे सो 31 सेंटर को भी नवाणीवा व्यवस्था टा भी समान करछन सो गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट एक्चुअली समय सरी छे भारत 360 को एट रखिबा नमस्कार।